एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा प्लाजो पैंट की डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से ये हमने डिजाइनिंग बनाया है जो कि डोरी लूप्स है, और ये हमने पिंटेक्स वाला डिजाइनिंग बनाया। देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है। और ये हमने यहाँ पे ये इस तरह से ये डिजाइनिंग बना करके इसे चिपका करके लूप्स ये रेडी किया। बहुत ये खूबसूरत लगता है, बहुत ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाकर बनाती हूँ, जो कि ये नीचे में डोरी लूप्स है, ऊपर में ये पिंटेक्स है। तो फ्रेंड्स, बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, के लिए ये हमने डोरी ये जो है ऑलरेडी पहले से ही इसे बनाकर रेडी किया है, जो कि ये हमारी 3.5 इंच लंबी ये डोरी है। इसी से हमें नीचे में ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे डिजाइनिंग, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, इसे क्या करेंगे, इस तरह से इसे ओपन करेंगे और फिर हमें यहाँ से ये 1.5 इंच का डिस्टेंस देना है। उसके ऊपर ये हमें पिंटेक्स बनाना है, 1/2 इंच के डिस्टेंस पे पिंटेक्स, हमें 5 पिंटेक्स बनाना है। तो 5 पिंटेक्स को स्टिच करके रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले यहाँ से हमें ये जो हमें 1.5 इंच रखनी है, यहाँ से ये मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हमें ये नीचे में ये रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह। तो ये हमने ये यहाँ ये निशान लगा लिया। यहाँ पे हमारे ये ओपन, इस तरह से यहाँ ये प्लेन रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि हमें यहाँ पे लूप से चिपकानी है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ से फिर क्या करना है, 1/2 इंच पे ये निशान लगाना है। तो 1/2 इंच के डिस्टेंस पे ही आप ये 5 पिंटेक्स का निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह। तो ये हमने 3 2 लगाया, फिर यहाँ 3 हो गई और ये 4 हो गया, फिर ये हमारा 5। तो हमें 5 ही पिंटेक्स बनानी। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चलते हैं इसे स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलते सिलाई लगाकर इसे रेडी करते हैं। वही सिलाई हमें किनारे किनारे लगाना है और ये पिंटेक्स बना करके रेडी करनी है। तो चलिए इस पर स्टिचिंग करते जाएंगे इस तरह, देखिए बिल्कुल किनारे किनारे आप इसे स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो सारे पीस इस तरह से स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। तो फिर एक हमारी ये पिंटेक्स रेडी हो गई। फिर इसी तरह से दूसरा वाला जो हमें क्या करना है, इस तरह से जो हमने निशान लगाया है इस निशान पे, तो फ्रेंड्स इस तरह से इस निशान पे हमें ये किनारे किनारे दूसरे वाले को भी स्टिचिंग करके रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पिंटेक्स बनाना ये बहुत ही आसान है, पिंटेक्स वाले प्लाजो पैंट से डिजाइनिंग बनाना। तो फिर दूसरी भी हमारी ये बनकर रेडी होगी। अब तीसरी वाली को क्या करना है, इस तरह इसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे ये स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। तो ये हमारी तीसरी भी रेडी हो गई। फिर हम तो सारे को इसी तरह से आप जितना बनाना चाहते हैं उतना ही आप क्या करेंगे, इस पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच का हमें ये डिस्टेंस देना है, बिल्कुल किनारे किनारे ये स्टिचिंग करके रेडी करते जाना है। तो फिर देखिए, सारी पिंटेक्स हमारी इसी तरह से बनते जा रही है। तो हमें 7 बनाना है, तो एक और हमें बना लेना है। इस तरह से क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच क्या करेंगे, इस तरह से डिस्टेंस पे हमें इसे स्टिचिंग करते जाना है। ये सारे को स्टिचिंग करके रेडी करते हैं, बिल्कुल किनारे किनारे स्टिचिंग करना है। तो फ्रेंड, ये हमने सारे को स्टिचिंग करके इस तरह से ये रेडी कर लिए। तो ये हमारी पिंटेक्स हो गई कंप्लीट रेडी। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने डोरी लूप्स बनाया है इसके ऊपर डालेंगे और इसके किनारे किनारे स्टिचिंग करके उसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये जो हमें इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे और इसके किनारे किनारे स्टिचिंग करके इसे पहले साड़े को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें साड़े को ये डालते जाना है इस तरह और इसे अटैच करते जाना है, देखिए इस तरह से। 1/2 इंच ये इस तरह से इसका डिस्टेंस दे करके इसे के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से साड़े को अटैच करके रेडी करते हैं। तो फिर देखिए, हमने इसी पे साड़े को ये डालते हुए इसे अटैच कर लेते हैं, किनारे किनारे ये स्टिचिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने साड़े को ये अटैच कर लिए हैं इस तरह। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमें पट्टी एक लगानी है, वो पट्टी लगा करके 1/2 इंच पकड़ के इस पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने चौड़ी पट्टी कट किया है, इस पट्टी को क्या करना है, इसके ऊपर डालेंगे और इसके किनारे किनारे क्या करेंगे, इस पर स्टिचिंग करके इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर स्टिचिंग करते जाएंगे, सारे को स्टिचिंग करके इसे रेडी करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से ये हमने इसे अटैच कर लिए, ये जो हमने, और ये इसे क्या करेंगे, आप अब क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ क्या करके इसे फोल्ड करके इस तरह से इसे अंदर फोल्ड करके इसे आप हेम कर लेंगे या आप इसे अच्छे से स्टिच करके इसे रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे हेम करना है, तो अंदर की तरफ इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और
और ये फोल्ड करके ये हमने छोटी वाली निडिल में ये धागा डाल लिया है। अब इस तरह से क्या करते हैं, इसे हेम करके इसे अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने हेम करके देखिए ये रेडी कर लिए। इस तरह से आप हेम कर लेंगे तो अच्छे से ये बैठ जाएगी आपकी, ये जो हमने ये पट्टी लगाया है। अगर आप इसे चाहें तो इस पर स्टिचिंग भी कर सकते थे, बट मुझे हेम ही करनी थी तो ये हमने हेम करके इसे रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है वो देखिए क्या करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये धागे को कट कर देंगे। अब फिर अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये जो हमने ये लुक ये जो डिजाइनिंग बनाई है पिंटक्स की, तो ये इस तरह से हाफ हाफ इंच करके हमें एक इधर की साइड से स्टिचिंग करेंगे, तो फिर एक इधर की साइड से स्टिचिंग करेंगे। तो चलते इसे स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ये डेढ़ डेढ़ इंच पे ये निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ इस तरह। तो ये हमने डेढ़ इंच पे एक निशान लगाना है, फिर यहाँ से डेढ़ इंच पे निशान लगाना है, फिर यहाँ ये डेढ़ इंच पे निशान लगाना है। फिर अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे क्या करेंगे बराबर कर लेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगाकर इसे स्टिचिंग करके यानी कि रेडी करेंगे। तो फ्रेंड ये नीचे की तरफ से हमें ये सिलाई लगानी है इधर साइड वाले में। तो ये चलिए नीचे की साइड से ये सिलाई लगाकर रेडी करते हैं। इस तरह से ये नीचे की साइड लगाए हैं, फिर इधर इस साइड से इसे मुड़ा करके इसे कट कर देंगे ताकि ये खुले ना। तो देखिए एक साइड की ये स्टिचिंग होकर रेडी हो गई। हमने देखिए ये नीचे की तरफ से लगाया है, तो अब हमें क्या करना होगा, ये ऊपर की तरफ से ये जो हमने पिंटक्स बनाया इसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो चलते ये ऊपर की तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगाकर रेडी करते हैं। ये साड़ी को ऊपर की तरफ करना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी दूसरी भी लग गई। अब फिर तीसरे वाले को फिर नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ करते हुए इस पर स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक साइड का ये देखिए इस तरह से ये स्टिचिंग करके रेडी कर लिए। फिर हम देखिए इस तरह से हमने एक साइड का हो गया, फिर इधर की साइड भी ये हमने डेढ़ डेढ़ इंच के डिस्टेंस पे इधर की साइड भी हमें क्या करना है, एक इधर की साइड आप क्या करेंगे स्टिचिंग करेंगे। तो फिर आप एक इधर की साइड एक ऊपर और एक नीचे करके ये साड़ी को स्टिचिंग करके ये रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमने इस पर स्टिचिंग करके एक नीचे की तरफ की स्टिचिंग किया, तो एक हमें ऊपर की तरफ की स्टिचिंग किया। तो ये साड़ी को स्टिचिंग करके ये हमने पिंटक्स ये रेडी किया। देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये लूप्स लगानी यानी कि ये नेक को क्या करना है चिपका कर रेडी करना। तो ये हमने एक एक इंच के डिस्टेंस पे सारे तो ये फैब्रिक ग्लू से चिपका कर रेडी करना। तो ये चलते ये फैब्रिक ग्लू से चिपका कर रेडी कर लेते हैं इस तरह। देखिए तो एक एक इंच की डिस्टेंस पे ही ये साड़ी को चिपकाना है इस तरह। देखिए इस तरह अब चलिए ये साड़ी पे इस तरह से चिपकाते जाएंगे और इसे रेडी करते जाएंगे। तो फ्रेंड ये हमने देखिए साड़ी को चिपका करके ये फैब्रिक ग्लू से रेडी कर लिया। आप इसे क्या करेंगे, अब इसे अच्छे से फैन के पास 5 से 10 मिनट तक इसे फैन के पास छोड़ देंगे, सूखने देंगे, तो ये अच्छे से आपकी ये जो है चिपक जाएगी। तो फ्रेंड देखिए ये हमने कितनी आसानी से ये हमने इस तरह से फैन के पास ये छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से ये हमारी फैब्रिक ब्लू से ये चिपक कर रेडी हो गई। देखिए कितना ये खूबसूरत हमारी ये डोरी लूप्स और पिंटक्स वाली ये प्लाजो पैंट की डिजाइनिंग लग रही है। तो बहुत ही ये खूबसूरत डिजाइनिंग है। अब क्या करते हैं, इसे साइड वाली फिटिंग करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, ये साइड का हाफ हाफ इंच ये पकड़ते हुए इसे स्टिचिंग करके इसे अच्छे से ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसे हमने फिटिंग करके रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की प्लाजो पैंट की ये डोरी लुक्स और पिंटक्स वाली डिजाइनिंग, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इजी ये डिजाइनिंग था, देखिए बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइनिंग है, बहुत लेटेस्ट डिजाइन है। तो फ्रेंड्स आज की ये हमारी प्लाजो पैंट की डिजाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।